असम के तिनसुकिया में बंगाली मूल के 5 लोगों की हत्या से सनसनी, पूरे इलाके में तनाव। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में इस्तेमाल हुई AK-47, 6 लोगों को खेराबाड़ी में अगवा कर बंदूकधारियों ने चलाई थी गोली। गोलियों से छलनी, 6 में से 4 नौजवानों ने तोड़ा मौके पर ही दम, अस्पताल ले जाते हुए 1 की मौत, 6 का इलाज जारी। हत्याकांड को लेकर ऑल असम बंगाली छात्र संघ ने बुलाया 12 घंटे का बंद। तिनसुकिया कांड पर सियासत की शुरुआत, ममता बनर्जी ने NRC पर उठाया सवाल, गृहमंत्री ने ट्वीट कर CM से कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। पटना की पुलिस लाइन में जबरदस्त हंगामा, कमांडेंट का सिर फोड़ा। तबीयत खराब होने से महिला सिपाही की मौत, छुट्टी नहीं मिलने पर हंगामा। कमांडेंट मोहम्मद मसुद्दीन के आवास पर घेराव, गाड़ियों में तोड़फोड़। गुरुग्राम में एक्सपोर्ट कंपनी में आग, कई किलोमीटर दूर तक फैला धुआं। जैस्मिन एंटरप्राइजेस नाम की एक्सपोर्ट कंपनी, दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर। लखनऊ विधानसभा के सामने धरने पर बैठे BTC प्रशिक्षु शिक्षक, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लाठीचार्ज में कई शिक्षक घायल, 30 और 33% का कट ऑफ लिस्ट जारी करने की मांग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में प्रदेश BJP सचिव अनिल परिहार और उनके भाई की गोली मारकर हत्या। दुकान से घर की तरफ लौटते वक्त परिहार और उनके भाई को आतंकियों ने बनाया निशाना, दोनों भाइयों को बेहद करीब से मारी गोली। अस्पताल और थाने में BJP कार्यकर्ताओं ने मचाया हंगामा, पुलिस से झड़प, सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी के मारे जाने के बाद हंगामा, सुरक्षा बलों का दावा, हंदवाड़ा में मारा गया आतंकी नसीर मुजाहिदीन का। एक कार में आतंकी के जाने को लेकर मिली थी खुफिया जानकारी, चेकिंग के लिए रोकने पर मुठभेड़। कार में सवार दूसरे आतंकी भागने में कामयाब, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकी के मारे जाने के बाद सोपोर में भड़की हिंसा। आज दिल्ली में कांग्रेस कोर कमेटी की आपात बैठक, विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा। विधानसभा के लिए BJP ने जारी की थी पहली लिस्ट, मध्य प्रदेश के लिए 177 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। मध्यप्रदेश के मंत्री माया सिंह का टिकट कटा, ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिकरवार को मिला टिकट। तेलंगाना से 28 और मिजोरम से 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। धौलपुर में कांग्रेसी नेता का अनोखा प्रचार, घोड़ी पर बैठकर मांग रहे हैं वोट। राफेल डील को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला, घोटाले में अंबानी के साथ पार्टनरशिप की बात कही। पार्टनरशिप है अनिल अंबानी एंड नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने कहा डेसॉल्ट के पैसों से अनिल अंबानी ने की कंपनी ने खरीदी जमीन, 8,30,000 की कंपनी के खाते में डेसॉल्ट ने दिए 284 करोड़ रुपए, और JPC की मांग से भी भाग रही है सरकार, मगर प्राइम मिनिस्टर चुप है, रात को नहीं सो रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, नींद नहीं आ रही है, आप हंस रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको नींद नहीं आ रही है। संघ की 3 दिवसीय बैठक के बाद आज भैया जी जोशी मीडिया के सामने, जल्द बनना चाहिए राम मंदिर। मंदिर को लेकर भैया जी जोशी ने कहा जरूरत पड़ी तो 1992 जैसा आंदोलन। मुंबई में राम मंदिर पर भागवत और शाह के बीच चर्चा। RSS के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा हिंदुओं की भावनाओं का ठेका नहीं ले रखा। राम मंदिर पर JDU ने साफ की अपनी राय, या तो बातचीत से या फिर कोर्ट के फैसले से हो निर्माण। UP के CM योगी आज गुजरात के दौरे पर, देखने पहुंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात के CM विजय रूपाणी भी है CM योगी के साथ। सरदार सरोवर बांध का करेंगे दौरा, फ्लावर वैली की भी सैर। अमृतसर रेल हादसे पर कार्रवाई जारी, नवजोत कौर ने दर्ज कराया अपना बयान। मध्य प्रदेश के बड़वानी में टिकट की घोषणा से पहले ही पूर्व विधायक प्रेम सिंह पटेल का जश्न। दिल्ली के रोनी में स्कूल टीचर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, पति की मॉडल गर्लफ्रेंड साजिश में शामिल। पुलिस के मुताबिक आरोपी मॉडल एंजल का टीचर के पति से था अफेयर, तलाक के लिए बनवा रही थी दबाव। पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर मंजीत और उसकी गर्लफ्रेंड को किया गिरफ्तार। सुपारी किलर से 10 लाख में कराया कत्ल, स्कूटी से स्कूल जाते वक्त टीचर पर हमला। आरोपी मॉडल का मुंह बोला पिता भी गिरफ्त में, कॉन्ट्रैक्ट किलर की तलाश जारी।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजन, लेखकों, पत्रकारों और टूर ऑपरेटरों के लिए खास पैकेज। सोनमर्ग में बिछी सफेद चादर, लगातार बर्फबारी। कश्मीर के द्रास वैली में बर्फबारी, करगिल की चोटियां सफेद। श्रीनगर के पहलगाम में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट। बर्फबारी से टूरिस्टों में जबरदस्त उत्साह। मेरठ में गाली देने से मना करने पर विवाद, युवक ने की फायरिंग। मुजफ्फरनगर में फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक पुलिस वाला घायल। एटा में टेलर की दुकान में धमाका, उड़ गई छत। मुजफ्फरनगर में पलट गया ट्रक, ड्राइवर और क्लीनर जख्मी। जालौन में ट्रक ने पांच को रौंदा, तीन की मौत। बेतिया में अपहृत बच्चे का शव बरामद होने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। बेतिया में दो हफ्ते पहले दशहरा मेला देखने के दौरान अपहरण अपराधियों ने मांगे थे 4 लाख रुपए। मुजफ्फरनगर में शटर तोड़कर लाखों के मोबाइल से हाथ साफ। बंगाल के पाकड़ू में एक शख्स के घर से अवैध विस्फोटक बरामद, खदान में विस्फोटकों की तस्करी। दिल्ली के भारत नगर में रिटायर्ड ब्रिगेडियर के घर से चोरी, लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ। दिल्ली के जनकपुरी में आर्मी से रिटायर्ड बुजुर्ग की जलकर मौत, खुदकुशी या हादसे की गुत्थी में फंसी पुलिस। पटना में दिनदहाड़े युवक की ईंट पत्थर से और चाकुओं से हत्या। बर्धवान में महिला से छेड़खानी के आरोप में दो छात्रों समेत 4 लोगों की थाने में जमकर पिटाई। पुलिस की पिटाई और वीडियो बनाए जाने से आहत 2 छात्रों ने की खुदकुशी की कोशिश। वाराणसी मॉल में डबल मर्डर के अपराधियों का सीसीटीवी आया सामने, 4 फरार आरोपी दिखे। यूपी में 68,500 बेसिक शिक्षा भर्ती में की सीबीआई जांच, 26 नवंबर तक सीबीआई से मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट। छपरा में जगदम महाविद्यालय में नकल कर रही छात्रा, रोकने पर हंगामा। चतरा में तालाब निर्माण में गड़बड़ी का उजागर, करने वाला पत्रकार की हत्या, 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर पकड़े गए 1 करोड़ रुपए, आगरा से झांसी जा रहा था कैश बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ 25,000 का इनामी बदमाश। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, फर्स्ट ईयर के 4 छात्रों ने की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत। कानपुर में आबकारी विभाग ने ट्रक्स में भरी अवैध शराब पकड़ी। कानपुर में खाद्य विभाग के त्योहारों के मौसम में मिठाई की दुकान दोपहर छापेमारी। चंडीगढ़ में 4 युवतियों ने की पुलिस से शिकायत, विदेशी नंबर से कॉल उठाने पर पाकिस्तान समर्थक नारे। पटना सिटी में नवजात भ्रूण नाले में मिला, तहकीकात में जुटी पुलिस। हरियाणा पुलिस का खौफनाक चेहरा आया सामने, कर्मचारियों को गाली देने से रोकने पर शख्स की जमकर पिटाई। दिल्ली के संजयपुरी में 2 दिन पहले हुए कत्ल का खुलासा, दोस्त ने ही पैसे के लालच में घर में चोरी के दौरान किया मर्डर। बलिया में छात्र संघ चुनाव के दौरान मारपीट और फायरिंग, एक छात्र नेता की गोली लगने से घायल। मऊ में सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़। हरदोई में पुलिस ने 25,000 के 3 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। कानपुर में मां को मारकर बेटी को जिंदा फूंका, बेटी के पति पर हत्याओं का शक। धार में चेकिंग अभियान के दौरान जीप में लाया जा रहा था 6 किलो सोना पकड़ा। चाईबासा के चक्रधरपुर में अवैध ढंग से रेल टिकट बेचने वालों पर छापे। हरदोई में निजी मारुति वैन एम्बुलेंस ने बाइक में मारी टक्कर, 3 की जान गई। वैशाली के महुआ में हॉस्टल में रहने वाले छात्र को गार्ड की बंदूक से छेड़छाड़ में लगी गोली। रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट पाने में नाकाम नेता के समर्थकों ने काटा हंगामा। किशनगंज में आश्रालय के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर जमकर बवाल। बांदा में केन नदी में चल रहे किसानों के सत्याग्रह में पहुंचे बीजेपी के 2 विधायक। श्रेणी में साई ट्रस्ट के अध्यक्ष की गाड़ी में तोड़फोड़, अकाल पीड़ितों के लिए 50 करोड़ देने के खिलाफ भड़के साई भक्त। दिल्ली के नए बने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर छात्रों ने जोश में खोया होश, जमकर हंगामा किया। 53 के हुए बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान, घर की बालकनी में खड़े होकर फैंस को दी मुबारकबाद कबूल की। अपनी 10वीं सालगिरह पर आयुष्मान खुराना ने किया ट्वीट, लिखा मेरे बचपन के प्यार, 1 दशक गुजरा है तुम्हारे साथ। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता पर राखी सावंत ने दर्ज कराया मानहानि का मामला, हर्जाने में मांगे 25 पैसे। अजय और काजोल ने बेची न्यासा के लिए सिंगापुर में खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट।
सिंगापुर के चिड़ियाघर में नन्हे भालुओं का मां से दूध लालन पालन। मेक्सिको में एक संगठन ने ट्रांसजेंडर्स और समलैंगिकों को दिया पारंपरिक डांस का मौका। नाइजीरिया मदगरी में बोको हराम आतंकियों संगठन ने 15 लोगों को मौत के घाट उतारा। कार्यालयों में यौन शोषण पर असमानता के खिलाफ गूगल कर्मियों का प्रदर्शन। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।